वीडियो में हम कोटक 811 ऐप के माध्यम से एड्रेस अपडेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। तो अब आपको नीचे की दिखाई दे रहा है सफेद बॉक्स, तो उसमें लिखा हुआ सर्विस रिक्वेस्ट, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो प्रोफाइल, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको नीचे से दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर एड्रेस अपडेट का, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले विकल्प में आप आधार OTP के माध्यम से एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, और दूसरे में आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके। तो हम यहाँ पे पहले वाले को चुन लेंगे आधार OTP वाला, फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी नेक्स्ट वाली बटन, तो आप उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखाई देगा जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल से पहले से अपडेट होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें टिक करके नीचे दिखाई दे रही होगी दाएं साइड में सेंड OTP वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी आधार कंसेंट वाली, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगी दाएं साइड में अप्रूव वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अगले पेज में आएंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो आपको OTP को वहाँ पे अंकित करके नीचे सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे अगले पेज में आएंगे तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर देखेंगे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा परमानेंट एड्रेस, और ब्रैकेट में दिखाई दे रहा होगा एज मेंशन्ड इन आधार कार्ड, तो आपको जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो यहाँ पे फेच करके यहाँ पे ऑटो अपडेट यहाँ फिल हो जाएगा, तो यहाँ वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा जो आपका आधार में एड्रेस होगा। तो फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। तब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, और वहाँ पे दाएं में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ सेट परमानेंट एड्रेस एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो मतलब आपका आधार में कार्ड में एड्रेस अपडेट है वो आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पे सेट हो जाएगा अगर आप इसमें टिक कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टिक कर देंगे। हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस को अपने कोटक क्रेडिट कार्ड में भी एड्रेस में अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पे साथ में इसी को भी अपडेट कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी अपडेट एड्रेस वाली बटन, तो हम उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कह रहा है, तो आप एक बार एड्रेस को पूरा जांच लेंगे। फिर उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगी कंफर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको सक्सेस वाला मैसेज दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कि जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर भी मैसेज यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। तो आपको नीचे एक रिक्वेस्ट आईडी भी दिखाई दे रही है, वो भी जनरेट कर दी गई है। अगर आप चाहें तो सीधे यहाँ पे होम पे जाके सीधे अपने एड्रेस को आप जाके चेक करेंगे तो आपको एड्रेस अपडेट मिलेगा, तो आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो अगर आपका बैंक खाता कोटक महिंद्रा बैंक में है तो कोटक 811 ऐप के माध्यम से आप भी इसी सेम प्रक्रिया से जैसे मैंने वीडियो में बताया आप अपने एड्रेस को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।